हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। बोला है क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड किया जाता है, और उसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, और क्वेश्चन भी दिया हुआ है विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और इस गैस का प्रेजेंस कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ए है, तो व्हेन लिख सकते हैं व्हेन डाइल्यूट हाइड्रो क्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट्स इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो, ये हम लोगों ने लिख लिया क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये बनाता है क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिब्रेट करता है। अब इसका लिए हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये रिएक्शन किससे कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, H2O बना रहा है और CO2 बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Na2 है और यहाँ पर Na, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2NaCl कर दिया हम लोगों ने। 2NaCl जैसे ही करेंगे हम लोग को क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पर अनबैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन पहले बैलेंस था लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2HCl करेंगे। 2HCl करेंगे तो हमारा क्या होगा कि NaCl बैलेंस हो गया, Na भी 2 Cl भी 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन इस तरफ में 2 है, इस तरफ में भी 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कार्बन इस तरफ में भी 1 है, इस तरफ में भी 1 है, और ऑक्सीजन इस तरफ में भी 3 है और इस तरफ में भी 3 है। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में क्या गया है? दिया गया है विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा गैस निकल रहा है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, CO2 जिसको बोलते हैं, ये है। बोल रहा है हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। ठीक है, अब इसकी गैस के प्रेजेंस को कैसे पता करेंगे, व्हेन दिस गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, इसको पहचान करने का क्या तरीका है, तो अगर इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, अगर हम लोग लाइम वाटर से गुजार दें तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, दूधिया हो जाएगा। तो अगर दूधिया हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर मिल्की नहीं होता है, दूधिया नहीं होता है, तो वो समझ जाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। तो इसके प्रेजेंस को इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।